हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सब कुछ बहुत येलो येलो है, लाइक सब्जी वाला मुझे देख रहा था। कुकर की सीटी आ रही है, सब कुछ येलो येलो है। मेरा ये टॉप टॉप नाइट सूट मान लीजिए, पता नहीं कैसा हो रहा है। हाँ, ये भी येलो, मेरी नेल पेंट भी येलो, मैं येलो नहीं है। ये कुकर है ना, कुकर है कुकर। सो आज है सैटरडे और अभी बन रहा है लंच, लंच टाइम हो रहा है और मैं जल्दी से ड्रेस चेंज करूँगी। मैंने चेंज नहीं करी, सुबह मैं नहाई और मैंने यही पहनने में लगा जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ वो पहन लेती हूँ। तो ये पहन ली है और हाय बोनी, और बोलदार बहुत अच्छे मूड में, मस्ती क्यूट। सो मैं बना रही हूँ दाल चावल सब्ज़ी रोटी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। और मुझे रात को जाना है ग्रोसरी शॉपिंग करने। इस बार मैंने ग्रोसरी शॉपिंग ही नहीं करी और आज कौन सी तारीख होगी, 10। सो गाइस, हम लोगों ने लंच कर लिया था और आज मेरा वो दिन है जिस दिन मुझे किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है, मतलब तबीयत वाइज ऐसा दिन नहीं है, पर अभी मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था। और आज मेरे को लगा वीडियो शूट करनी चाहिए, फिर मैं लगाया नहीं। और आज पता है बाई चांस याक मेरे को ये नेल पेंट चेंज करना है। तो बाई चांस क्या हो रहा था, मैं जितने भी टॉप ढूंढ रही हूँ सारे येलो निकल रहे हैं। मेरी जो अलमारी वो इतनी मेसी है ना, आप देखेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। देखते मेरी अलमारी का हाल, मुझे मेरा कोई भी कपड़ा नहीं मिल रहा है, सब कुछ एक दूसरे पे हो गया है ओवरलैप। मुझे शर्म भी आ रही है दिखाने में, पर मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला और मुझे इसे करना है, पर मेरे को आलस बहुत आ रहा है। मेरी पहली बार अलमारी इतनी फैली है क्योंकि हम लोग घूम के आए थे, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, मतलब कुछ लगा ही नहीं घूम के आने के बाद भी। और मतलब मान के चलिए इस अलमारी को लगे हुए 20 दिन हो गए, घूम के आए कपड़े डाल दिए यहाँ पे लाके, फिर आई फिर डाले धोए डाले धोए डाले। सो यही सब हुआ है और ये पूरी अलमारी में जो भी कपड़े हैं यही हो रहा है, मुझे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है। मेरा सारे नए कपड़े और क्या बोलते हैं, मेरे सारे सब कुछ मिक्स हो गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसे कर लूँ, फिर मुझे लगा चलो कर लेते हैं, क्या करूं, इच्छा नहीं हो रही है। सो मैंने कुछ अरेंज कर दिए है और कुछ इस तरह से अरेंज हुई है। मैंने यहाँ पे ऊपर कुछ टॉप और कुछ ड्रेसेस रखी हैं, यहाँ पे लोअर एक साइड पे मैंने रखा है थोड़े अच्छे टॉप्स, फिर मीडियम टॉप्स, फिर वैसे टॉप। और मुझे पता है ये एक हफ्ते में फैल जाएगी और अभी भी बेड फैला हुआ है क्योंकि सामान पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो टेंशन तब होती है जब ठंड रहती है, ठंड में तो इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, ठंड के कपड़े, ये कपड़े, वो कपड़े, समझ में नहीं आता कौन से कपड़े। सो गाइस, अब जल्दी से मैं ये काम निपटाती हूँ और हम लोग को जाना है ग्रोसरी शॉपिंग पे। मुझे कुछ फेशियल वगैरह भी लाना है और कुछ सामान भी लाना है अपने लिए क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं, तो मेरे को लगा थोड़ा बहुत काम करते चलते हैं। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी से ADS की पेन स्टिक, बेटा क्यों अल्लाह मचा रहे हो ऐसे कटर पटर कटर पटर, पागल वागल हो गए। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आपको लिपस्टिक कलेक्शन देखना है। अगर मैं दो पार्ट्स में बनाऊँ अपना लिपस्टिक कलेक्शन, लाइक मैं चाह रही थी कि मैं उसकी एक स्वॉच वीडियो भी बनाऊँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से ब्रांड है और क्या कलर एग्जैक्टली है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर वो दो वीडियो में भी कम्प्लीट होता है, क्योंकि अगर आपको मेरी लिपस्टिक्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद है जो कलर्स हैं वो लोग पूछते रहते, तो मैं चाह रही थी जो भी लिपस्टिक कलेक्शन है वो एक बार में करके रख देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं कुछ लिपस्टिक एकदम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ और कुछ अभी नई हैं जो मुझे ट्राई करनी है और कुछ मेरी फेवरेट है जो है उस टाइम पर बता दूँगी। अगर आपको लिपस्टिक कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि चाहिए, तो मैं उसे संडे को ही, मतलब कल ही रिकॉर्ड कर लूँगी। और हाँ, और एक और चीज़ हुई है, बहुत ही फ़नी चीज़ थी एक्चुअली। मैंने जब कल वीडियो शूट करी थी तो जो इयररिंग है ना, वो जिसने नहीं देखा है वो भी अब देख सकते हैं जाके। सो क्या हुआ था, मैंने जो इयररिंग थी एक कान में, मेरे एक कान में अलग थी, एक में अलग थी, मतलब दोनों डिफरेंट इयररिंग पहनी मैंने। और क्या था ना, वो पूरी एक ही ज्वेलरी बॉक्स में रखी हुई थी और जो एक इयररिंग थी ना वो
दोनों में रेड स्टोन थे सबसे पहले, एक ईयरिंग ऐसे पैटर्न में थी, एक ईयरिंग ऐसे ऐसे पैटर्न में थी, मतलब ऐसे ऐसे पैटर्न में। तो इस कारण से पता नहीं मुझे कन्फ्यूज़न हुई है क्या हुई, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और ये सब हो गया। क्या हो गया ये? और मेरे को तब भी नहीं पता चला, आप में से जब दो तीन लोगों ने कमेंट किया तो मुझे पता चला, ओ माय गॉड। फिर मेरे को लगा ठीक है चलता है, वैसे मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने ईयरिंग अलग अलग पहन ली है। सो मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने कॉल करती हूँ, राजा नीचे ही आ गया, तो मैं बॉटल लेके जा रही हूँ, बॉटल पानी, मैं पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। सेफ वाटर, सेफ वाटर नहीं, सेफ वाटर ड्रिंक बियर। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो वाटर तो अब हम लोग जा रहे हैं पहले ग्रोसरी के लिए थोड़ा बहुत। मैं वीकली प्लानिंग कर रही हूँ इस बार, क्योंकि महीने की तो हुई नहीं। सो आज दिन कौन सा राजा? तो ग्रोसरी मैं फिर भी 20 डेज के लिए ले आऊँगी, सिर्फ हम लोगों के बाहर जाने की वजह से ग्रोसरी इस बार गड़बड़ हुई है, ये हम लेने ही नहीं गए उसके बाद। हाँ, 1 तारीख को लेके आते थे, 9 एकदम एग्जैक्ट 1 लाते थे हम लोग, और अब की बार हो गई 9 हो गई 10 है आज, 9-10 ही मान लो। हाँ, ये तो कल से जाएगी ना, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। पता है मेरी पिछले महीने का इतना सामान बचा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, पर कुछ सामान जैसे कुछ सामान ख़त्म हो गया, तो मेरे को लगा वो सब सब ले आऊँ, जैसे मेरी सूजी वूजी के बिना काम नहीं चलता है वो सब। और दाल में 1 दाल ख़त्म हुई है और सारी दालें रखी हुई हैं, पूरा सामान रखा है बट थोड़ा बहुत लाना है, मतलब ज़्यादा लाना भी नहीं है मुझे। सो ये है, 2 लोग हैं, छोटा सा पेट है, कितना खाएंगे ना मेरा। सो सॉरी, मैंने बिल्कुल, व्हाट हैपेंड? वो हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने वहाँ पे बिल्कुल व्लॉग नहीं किया क्योंकि बारिश होने लगी एकदम से और मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं कुछ सामान लाई, ज़्यादा नहीं लाई, जैसे मैंने बताया था मुझे मक्केन्स खाने का बहुत मन था, सो मैं मक्केन्स बनाऊँगी आज, क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं है आज, मेरा थोड़ा सा लेज़ी डे है, तो इस व्लॉग का नाम भी लेज़ी डे होना चाहिए। हाँ, आज लेज़ी डे है। सो ये मक्केन्स लाए, तुम्हें पसंद है? और मेरे को कुछ सामान बनाना था, लाइक समोसे वगैरह की रेसिपी, तो मैं रहा फ्रोज़न बटर उसने सामान के साथ डाल दिया, को गीला कर दिया सामान, और दलिया इनके लिए। हाय दलिया ईटर, ये मीठा दलिया खाते पता है बहुत ज़ोर से, वो भी ठंडा वाला, ही इज़ अ दलिया लवर। हाय दलिया के लवर, इतना बच गया ये देखो। सो हम लोग अभी मक्केन्स बनाएंगे। आज का दिन बहुत ही बोरिंग था गाइस, और उतना ही बोरिंग आज का व्लॉग लग रहा है मुझे, इसलिए मैं कई बार व्लॉग नहीं करती। कारण ये है, अगर आपको ऐसे व्लॉग भी चलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कई बार व्लॉग नहीं जाते हैं क्योंकि दिन कुछ इस तरह के हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी भी डेली लाइफ आप जीते हैं, मैं सब तो जीते हैं, मैं पागल हो गई पता है, मैं कुछ ही बोलती हूँ। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो आपके 7 दिन में से 4 अच्छे जाएंगे, 3 ऐसे जाएंगे, तो इसलिए मैं कई बार ब्लॉग छोड़ देती हूँ कि अरे यार। पर अगर आपको कभी मेरा दिन ऐसा जा रहा है और आपको तब भी देखना है तो नीचे लिखिए। तो इसलिए मेरे को लगा मैं आपको बता देती हूँ, कई बार ब्लॉग इसलिए छूटते हैं, कुछ होता नहीं है ब्लॉग करने के लिए, हर दिन क्या होगा। उस तुम लेके आए नहीं बॉटल? मेरे पास, मेरे पास बॉटल ही नहीं है पता आपको, मेरी पूरी पूरी बॉटल लेके चले गए अपने ऑफिस, भरी पड़ी है कोई कम से कम 20-25 बोतल होगी। ये यहाँ की बॉटलें लेके वहाँ चले गए, यहाँ पे 2-3 बॉटल बची हुई है, मैं प्यासी मर रही हूँ, कल सुबह फ्री लेके चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, मेरी मेरी फ्रिज की बॉटल लेके आओ, अपनी बॉटल अलग करो। तो तुम बिस्लरी भरो, मेरी फ्रिज की बॉटल वापस दो, अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो 2 तो हैं, 2 आपको पता है 6 में से 2 इनके पास हैं, और यहाँ पे 2 पीने वाले पानी है, एक छुटका ही पीता है मेरा पानी। हाँ क्यूटी, आपको पता है इनने मेरा तार तोड़ा था, इनने मेरा तार तोड़ा है। तुम्हारा तार? कपड़े सुखाने के लिए जो तार रहता है ना, क्या हुआ, तार रस्सी जो भी बोलते हैं आपसे, एक यहाँ बंधा हुआ था, एक तो छत पे बंधा। फेंटा फ्रीजर में नहीं, फेंटा वो फ्रीजर में वो जाएगा फ्रीजर में। क्या मक्केन्स? मेरे मक्केन्स हो जाएंगे। हाँ मक्केन्स, हाँ। सो
हाँ, तो इनने अपनी 7 जीन्स जो इतनी भारी थी मेरे एक तार पर लटकाई, उस दिन तार टूटा और सारी जीन्स से नीचे और सब कुछ गंदा जीन्स। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जीन्स उठाई, फिर उसे निखारा, फिर मैं गई ऊपर, मैंने ऊपर सुखाई। वो जीन्स का वेट बहुत हैवी था, मैं ड्रायर में इन डालती जीन्स क्योंकि वो थोड़ी अच्छी सी निकलती है। राजा कम करो। उसके बाद फिर मैंने छत पे सुखाई, छत पे सुखाने के बाद वो फिर से तार गिर गया और वो जब यहाँ गिरा था तो फिर भी गंदी नहीं हुई थी, जब छत पे गिरा पूरी मिट्टी में। फिर मैं गई, फिर मैंने दोनों तार टूट गए, फिर मैंने बालकनी में कपड़े टांगे वो जो ग्रिल रह दिया, और अब मेरे पास कपड़े टांगने की जगह नहीं है, मैं कपड़े नहीं धुल पाए। और उस दिन क्या हुआ था, मैंने कपड़े सुखाए थे 2 बजे रात में इनकी जीन्स वो करके, और जब वो गिर गया हम लोग हॉल में बैठे थे, मैंने बोला लो चोर आ गया आज तो। फिर राजा यहाँ से चिल्ला रहा ऐसे कि भाग हट ऐसा करके, पुलिस बुलाता हूँ पुलिस बुलाता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ से झाँक के देखा था मेरा तार गिरा हुआ था। तो ये सब भी होता जाता है। मकें सर दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ खतरों के खिलाड़ी देखने। भूख तो नहीं लगी ना, चाय पियोगे? चाय? ओ नो। मकेंस और मकेंस में फ्राई कर रही हूँ और चाय चढ़ा रही हूँ साथ में। सो इमोशनली हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी रो दूँगी। एक्चुअली मैं देख के आई थी टीवी में, थोड़ा इमोशनल था उसमें, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की, उसमें भग के भी आई थी, मुझे पूरा ही देखना था। सो चलिए शुरू करते हैं हम मकेंस बनाना। और थोड़ी सी रसोई मैसी है, मैसी भी ऐसी मैसी नहीं है, जस्ट बर्तन पड़े हैं वो सुबह मांजेंगी मेड। और अब मैं जल्दी से बनाती हूँ मकेंस। सो ये है मकेंस का पैकेट, और आपने कभी बनाया नहीं तो बना के देखिए, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा टेस्ट चेंज मिलेगा। ऑल दो ये फ्रोजन फूड आपको हमेशा नहीं खाना चाहिए, मैं भी ये बहुत टाइम बाद लाई हूँ, मैं आई थिंक 4-5 महीने पहले खाया था मैंने। नारियल पसंद करती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये है मकेंस, और इससे बहुत सही है यार, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मकेंस में, स्माइलीज आती हैं, और अभी समोसे भी कुछ आए हैं, चीज़ समोसा वो हमें लाना था बट आई थिंक उसकी डेट सही नहीं थी, वो एक्सपायर हो गया था। ये है वेजी मकेंस, इसमें अंदर आपको वेजी मिलेगी विथ चीज़, कॉर्न, कैरेट और पीस। तो ये आता है इसमें, आई डोंट नो कितने रहते हैं, आई थिंक वेट के हिसाब से आता है, पीसेस के हिसाब से नहीं आता है। सो ये इसका प्राइस है 109 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और अदर स्टेट्स में 100 rupees है इसका प्राइस। सो इसे आप फ्राई भी कर सकते हो, और इनकेस अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो आप इसे बेक भी कर सकते हो। तो बेकिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी बेकिंग ट्रे में इसे डालना है और अपना माइक्रोवेव चला देना है, एंड देन ये तैयार हो जाएंगे। पर हम लोग करेंगे इसे फ्राई, तो अब इसे खोलती हूँ मैं जल्दी से। इस तरह के दिखते हैं, और इसमें ऊपर कॉर्न स्टार्च लगा हुआ है ताकि ये फटे नहीं। तो तेल को एकदम अच्छे से एकदम तेज गरम करना है आपको, उसके बाद जब ये हल्के से फ्राई हो जाए तो इसे सिम पे करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए, तो तेल मैंने चढ़ा दिया है। तो गाइस अब मैं इसमें डालना शुरू करूँगी मकेंस, क्योंकि जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है। सो किचन एक्चुअली वहाँ से मैसी है,
क्या कर सकते हैं, गर्मी हो रही है और पीछे टीवी भी चल रहा है, वो एरिया मत देखिए। चार पैकेट मसाला डालूंगी क्योंकि मैं मैगी का वो रोस्टेड मसाला लाना भूल गई हूँ, तो इसलिए मैं दो मैगी के पैकेट में चार डालूंगी। तो अपने हस्बैंड के लिए मैंने मटर बाहर निकल गई थी, सो मैंने एक मैगी सूखी निकाल दी और मैं अपने लिए घीली मैगी बनाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी घीली मैगी खाती हूँ। उसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स का एक पैकेट, मुझे थोड़ा वैसा पसंद है, मुझे थोड़ी सूपी टाइप की और तीखी मैगी पसंद है तो मैं वो बनाऊंगी अपने लिए। तो जब मैंने पानी डाल दिया तो मैं जल्द से घुमा के आती हूँ। अब जा रहे हैं सोने में, ब्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि हाँ मूवी देख रहे थे हम, सैटरडे एंजॉय कर रहे थे। और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मुझे पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, एक बटन आएगा यहाँ पे, मतलब मेरी फोटो आएगी, आप उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।